नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चीन में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस भारत सहित कई दूसरे देशों में भी प्रवेश कर चुका है। बिहार में भी कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर बिहार की राजनीति भी खूब गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार चल रहा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सत्ता विपक्ष ने कोरोना वायरस को लेकर सरकार से सवाल पूछा कि क्या तैयारी है। उस पर सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने आरजेडी को घेरा है, निशाना साधा है और जवाब दिया है कि चरवाहा विद्यालय वालों को भी अब कोरोना वायरस समझ में आने लगा है क्या। हालांकि उन्होंने तैयारियां भी बताई हैं कि क्या तैयारी है, तो सुनिए क्या कहा है मंत्री नीरज कुमार ने। समझ में आ रहा है, चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय चलाने वाले लोग भी कोरोना वायरस जान रहे हैं। जो उच्च सदन है वहां तो आज तक ऐसे लोगों को कभी मौका दिया नहीं। ये गंभीर किस्म की बीमारी है, पूरी दुनिया के अंदर चुनौती बना हुआ है। बिहार जैसे राज्य में जो उसके लिए पहल की जा सकती है, और मेरा एक अनुरोध होगा राष्ट्रीय जनता दल से कि चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं तो सर्वनाम पढ़े, केवल संज्ञा नहीं पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हैं केवल। हिम्मत है अगर तो संज्ञा में बोलिए, संज्ञा में पूरी बात जो संज्ञा में बोलिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि डिफेमेशन किसको कहते हैं, मानहानि किसको कहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरे तौर पर, अब बताइए, जिसको संपत्ति का वायरस लगा हुआ हो, जिसको परिवारवाद का वायरस लगा हुआ हो, जिसको अपराधियों और लंपटों को राजनीति में स्थान देने का वायरस लगा हुआ हो, वो ह्यूमन डिजीज पर विचार करता है तो भगवान भी कराह उठते होंगे। बिहार में इसकी तैयारी क्या है? अब इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक एक बड़ी चुनौती हमारे लिए है, तो ऐसी किसी भी आपदा की स्थिति में हम भरपूर ईमानदारी से प्रयास करते हैं। हमारी ये नियत रही है, हमारी नियति रही है कि हम इन तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जो भी सक्षम संसाधन होते हैं उसके तहत हम अपनी कार्रवाई को सुनिश्चित करते हैं। क्या चीज का डर लग रहा है? नहीं, चुनाव का समय है ना, लालू जी दान में कुछ लेते हैं, इसका भय सता रहा है कि विधानसभा आ रहा है, कुछ दान में देना तो नहीं पड़ेगा, इसके लिए भयभीत है। तो कोरोना वायरस को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच वार पलटवार का सिलसिला, नीरज कुमार ने जवाब दिया है आरजेडी को। जब आरजेडी ने कोरोना वायरस को लेकर सरकार से सवाल पूछा है, नीरज कुमार ने जो हमला किया है अपने अंदाज में वो आपने सुना है, और नीरज कुमार इसी तरह के चीर परिचित अंदाज में हमला करने के लिए जाने जाते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।